23 मार्च को बिहार विधानसभा के बजट सेशन के दौरान विधायकों के साथ मारपीट की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। इस दौरान विधानसभा की सीढ़ियों से विधायकों को उठाकर फेंका गया था, यहां तक कि विधायकों को खींच खींचकर पीटा गया। विपक्ष की तमाम पार्टियों ने इस घटना को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय करार दिया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कसूरवार ठहराया था। वहीं पूरे देश में नीतीश सरकार की छवि को भी इस वारदात से धक्का लगा था। अब 121 दिन के बाद इस शर्मनाक मामले में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कार्रवाई की है। सिन्हा ने विधानसभा की सुरक्षा में तैनात दो सिपाहियों को मारपीट करने का आरोपी मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है और उसको जांच करके कार्रवाई के लिए हमने कहा था और उन्होंने पूरी कार्रवाई प्रक्रिया का रिपोर्ट भी उपलब्ध कराए और दो पुलिसकर्मियों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की गई। जो घटना से संबंधित सीसीटीवी के फुटेज, उक्त वीडियो और अन्य स्रोत से प्राप्त फुटेज के अवलोकन से जो प्रलोचित हुआ है, उसमें एक सिपाही 4756, सिपाही संख्या नंबर 4756 शेषनाथ प्रसाद और सिपाही संख्या 5204 रंजीत कुमार के रूप में पहचान की गई। सिपाही शेषनाथ प्रसाद, सिपाही रंजीत कुमार के द्वारा इस प्रकार का किया गया आचरण उनके उदंडता, मनमानेपन, गैर जिम्मेदाराना, एक अयोग्य पुलिसकर्मी होने का स्पष्ट परिचायक है तथा उक्त कर्मी के द्वारा इस प्रकार के किए गए कार्य पुलिस विभाग की छवि को भी धूमिल किया है। इसलिए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। सिपाही शेषनाथ प्रसाद और रणजीत कुमार पर गाज गिराकर सरकार ने कई बड़े अधिकारियों का दामन पाक साफ कर दिया है। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा की तरफ से दो सिपाहियों को निलंबित करने से शायद ही विपक्ष का गुस्सा शांत हो पाए, क्योंकि विधायकों की पिटाई करना और घसीटने का दुस्साहस बिना सीनियर अधिकारी के आदेश के शायद ही कोई सिपाही कर सके। अब जांच में केवल दो सिपाहियों पर ही सारा दारोमदार डालकर अधिकारियों को बेदाग बरी करने पर सवाल उठना लाजमी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।